नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमन नितिन क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था पोषण, वो हमने पहले आपकी वीडियो में क्या बताया कि पोषण क्या होता है। सेकंड वीडियो क्या था हमारा, पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। ठीक इसी प्रकार आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मनुष्य का पाचन तंत्र या मनुष्य में पोषण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मनुष्य का पाचन तंत्र या मनुष्य में पोषण। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो मनुष्य का जो पोषण तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र है ये पांच स्टेप में पूरा होता है। कितने में? पांच स्टेप में। अब ये स्टेप कौन कौन से हैं हम आपको क्रमवाइज बताएंगे। नंबर एक बात, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर लिखा हुआ है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण से क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को मुख के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद क्या होता है हमारा पाचन। क्या? पाचन। अब देखिए पाचन की डेफिनेशन क्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे हम भोजन के कठोर कणों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे हम बाइट खाते हैं, वो क्या होता है, एक जटिल भोज्य पदार्थ होता है। उसको हम क्या करते हैं, विभिन्न एंजाइमों और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, पाचन कहते हैं। ठीक। थर्ड इज क्या होता है, अवशोषण। अब अवशोषण का क्या अर्थ होता है, अवशोषण है जितने भी भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किए हैं, ठीक है, और उनका क्या हुआ, सरल अणुओं में क्या हुआ, वो विभाजित हो गए या उनका अपघटन हो गया। तो जितने भी पाचन के बाद जो भोजन बचता है उसको क्या करना है, अपनी कोशिकाओं के अंदर क्या करना, उसको ऑब्जर्व करना या उनका अवशोषण करना क्या कहलाता है, अवशोषण। यानी कि भोजन ग्रहण करने के बाद जो हमारा भोजन पचा है, यानी कि पचे हुए भोजन का अपनी कोशिकाओं के अंदर अवशोषण करना क्या कहलाता है अभी, अवशोषण, या भोजन का अवशोषण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फोर्थ इज स्वांगीकरण। क्या? स्वांगीकरण। अब देखिए पाचन हो गया है, उस पाचन को या पचित भोजन को हमारी कोशिकाओं ने क्या कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। अब क्या होता है कि उस ऑब्जर्व पदार्थ से एक नए जीव द्रव्य का निर्माण करना, और जीव द्रव्य के द्वारा उससे क्या करना है, उसको एक एनर्जी की फॉर्म में क्या बदलना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। क्या बताया मैंने कि वो जो हमारी कोशिकाओं ने पचित भोजन अवशोषित किया है, उस अवशोषित भोजन को, अवशोषण भोजन का क्या करना, एक नए जीव द्रव्य का निर्माण करना या एनर्जी का निर्माण करना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। फिफ्थ इज भाई अक्षेपण। ये क्या होता है कि भाई जितना भोजन हमने ग्रहण किया है और पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया है उसको एनस के द्वारा या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, वो वायु अक्षेपण कहलाती है। और ये किसके द्वारा होता है, ये हमारे एनस द्वारा होता है या गुदाद्वार होता है। ठीक है। तो ये जो हमारे मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ये इन फाइव स्टेप में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। अगर हम देखते हैं कि इसका क्रियाविधि क्या है, अब हम देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि होती क्या है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब नंबर एक बात, इधर आप एक डायग्राम देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, जस्ट लाइक दैट, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। यहां मैंने लिखा है मुख। क्या लिखा है? मुख। इसके पीछे साइड क्या होता है, बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। बक्कल कैविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मुख गुहा। क्या बोलते हैं भाई, मुख गुहा। उसके नीचे क्या होता है, हमारी ग्रसिका होती है, या ग्रास नेलेवियम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इसोफेगस बोलते हैं। जस्ट लाइक इसके नीचे, यानी कि जहां इसोफेगस जिस गुहा में खुलती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अमाशय या स्टमक भी इसको बोला जाता है। आगे आगे इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लीवर यकृत होता है, फिर पित्ताशय होता है, ये हमारा अग्नाशय है पत्ती के आकार का। उसके बाद ये जो आपको सी के आकार की एक संरचना दिखाई दे रही होगी, ये क्या होता है, हमारी एक छोटी आंत का भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम ग्रहणी बोलते हैं। और ये ग्रहणी हमारी छोटी आंत में खुलती है, और ये छोटी आंत अटैच किससे होती है, हमारी बड़ी आंत से अटैच होती है। और ये बड़ी आंत भाग लास्ट क्या कहलाता है, इसका गुदा द्वार कहलाता है। इस बड़ी आंत में एक भाग अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है भाई, इसका मनुष्य के पाचन तंत्र में कोई हेल्प नहीं होता, लेकिन जितने भी जीव जंतु
क्या करते हैं भोजन के रूप में घास ग्रहण करते हैं, या वे जीव जंतु जो ग्रास खाते हैं वो उसके पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये सेल्युलोज का पाचन करती है, मनुष्य में इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो आप इस ऑपरेशन से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो हम इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या था, हमारा सोरा पहला स्टेप क्या था, अंतर्ग्रहण। अब देखिए जैसे ही हमने भोजन के कण को ग्रहण किया अपनी बक्कल कैविटी के अंदर, इसके अंतर्गत अंदर बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा के अंदर वो हमारा भोजन चला गया है। अब देखिए हमारी मुख गुहा के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए लास्ट वर्ड क्या होता है कि हमने भोजन के कणों को अंदर ग्रहण किया, ग्रहण करने से पहले हमने उस भोजन को जो जटिल भोज्य पदार्थ था उसको अपने दांतों के द्वारा काटा। अब देखिए हम दांत के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या बोलते हैं दांत, दांत, दांत क्या होते हैं हमारे बक्कल कैविटी के अंदर चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक क्या होता है हमारा रदनक, रदनक, सेकंड क्या होता है कृंतक, थर्ड अग्रचवर्णक, फोर्थ चवर्णक। ठीक है, ये चार प्रकार के दांत क्या होते हैं मनुष्य बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनको हम बोला जाता है। अब देखिए इनके काम क्या होते हैं चार प्रकार के दांत के, अभी हम क्या अपनी बक्कल कैविटी के अंदर ही हैं। ठीक है, बात करते हैं ये जो हमारा रदनक है इंसाइजर, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि भोजन के कणों को काटना, क्या कार्य होता है इसका काटना होता है। इसके पीछे दो दांत और होते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया कैनाइन, इनका क्या होता है भोजन के कणों को फाड़ना। ठीक है, अब मैंने फाड़ना क्यों बोला, अब आपने मुख में देखना आप ये पीछे के दो दांत नुकीले होते हैं, क्या होते हैं ये नुकीले होते हैं, इनका काम क्या होता है जो जटिल भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनको फाड़ना इनका काम होता है। अब ये जो हमारे दो प्रकार के दांत हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर और मोलर, इनका काम क्या होता है भोजन को पीसना इनका काम होता है, क्या होता है भोजन को पीसना, क्या होता है इनका काम होता है। अब देखिए जटिल भोज्य पदार्थ को हमने क्या किया ग्रहण किया और ये चार प्रकार के दांतों ने उस भोजन के कणों को काटा फाड़ा और पीसना प्रारंभ कर दिया है। ठीक, अभी हम बक्कल कैविटी में ही हैं। अब देखिए बक्कल कैविटी के अंदर एक और मुख्य पार्ट होता है, वो क्या होता है हमारे प्यारे विद्यार्थियों जीभ, क्या होती है जीभ। अब देखिए जीभ का प्रोसेस क्या होता है हमारे मुख के अंदर, देखिए जीभ, ठीक है, देखिए भाई अगर हमें जीभ की संरचना बनाओ तो जस्ट लाइक संरचना बनेगी इसकी, ठीक है, क्या बनेगी हमारी जीभ के ऊपर क्या होती है स्वाद कणिकाएं होती है, स्वाद कणिकाएं, ठीक है, हजारों में होती है। अब देखिए मनुष्य की जीभ किस तरीके से काम करती है, ठीक है, अब देखिए जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, सबसे आगे का हिस्सा, ठीक है, ये किसका अनुभव कराता है हमको मीठा, किसका मीठा, आगे से थोड़ा पीछे यानी कि यहां पर, यहां पे क्या होता है नमकीन, ठीक है, सबसे पीछे यहां पर कड़वा, कड़वा महसूस देगा, और कॉर्नर पर यहां पर ए यहां पर हमको ऐसा खट्टा महसूस देगा, क्या महसूस देगा कट्ठा, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप आज ही कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिर मैं बता रहा हूं जीभ का जो हमारा आगे का हिस्सा होता है यानी कि सबसे अपेक्स पार्ट, वो किसका अनुभव कराता है हमको मीठे का अनुभव कराता है, उससे थोड़ा पीछे सेंटर में बोल सकते हैं, सेंटर में क्या होता है वहां पर हमको नमकीन टेस्ट आता है, ठीक है, सबसे पीछे किसका कड़वा, और कॉर्नर पर किसका खट्टे का। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप ऐसी कोई चीज खाते हैं जिसका टेस्ट कड़वा होता है वो हमको क्या बोलते हैं इसको हलक में लगता है जाकर के, यानी कि जीभ के सबसे पीछे साइड,
और जब भी आप कोई खट्टा खाते हैं तो वो कॉर्नर पे लगता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारी इस बक्कल कैविटी के अंदर ही क्या होती है, कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। अब जो जटिल भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया है उस भोजन में जो लार होती है, लार में क्या होते हैं, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं भाई। एक क्या होता है एमाइलेज, सॉरी हमारी इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती है जिनसे दो एंजाइमों का क्या होता है, श्रवण होता है। फर्स्ट चीज क्या होता है एमाइलेज, ठीक है, सेकंड इज टाइलिन। ये दो प्रकार के एंजाइम हमारी लार ग्रंथियां क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। अब देखिए इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिली है, मंड मिली है या स्टार्च मिली है, उस मंड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, शर्करा में कन्वर्ट करते हैं। ये जो एंजाइम है एमाइलेज और टाइलिन किसमें कन्वर्ट करते हैं, मंड को शर्करा में क्या करते हैं, ये भी परिवर्तित करते हैं। अब देखिए हमने जटिल भोज्य पदार्थ ग्रहण किया और ये मुख से क्या है हमारी बक्कल कैविटी, हमारी बक्कल कैविटी से भोजन कहां आता है, हमारी ग्रसिका में आता है। कहां पे आता है, अभी ग्रसिका के अंदर आता है। अब देखिए इस ग्रसिका की विशेषता क्या है, ये जो हमारी ग्रसिका है, इसोफेगस है, ये क्या होती है, ये उपास्थि की बनी होती है। इसकी होती है भाई उपास्थि की बनी होती है। इसकी एक अपनी एक क्वालिटी होती है, ये जब जितने भी भोजन कण इसके अंदर आते हैं तो ये क्या करती है, उनको थोड़ा फैला देती है, ठीक है। साथ ही साथ इस ग्रसिका के अंदर क्या होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, जिस कारण जो भोजन इस ग्रास नली में आया है वो भोजन क्या होता है, थोड़ा आगे सर्वाइव हो जाए या आगे गति करे, क्योंकि आगे भी उसको जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो यहीं पे रहेगा भोजन, ठीक है। इस ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचन गति होती है, क्रमाकुंचन गति के कारण ही भोजन का हमारा कहां पहुंचता है, इस अमाशय के अंदर। कहां पहुंचता है, इस अमाशय के अंदर। अभी जैसे ही भोजन इस अमाशय के अंदर पहुंचता है, जैसे ही भोजन इस अमाशय के अंदर पहुंचता है प्यारे विद्यार्थियों, तो अमाशय से एक हार्मोन्स का क्या होता है, श्रवण होता है। क्या होता है, एक हार्मोन्स, यहां पे हम अमाशय लिखेंगे, ठीक है। इस अमाशय से एक गैस्ट्रिन हार्मोन्स का श्रवण होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स का श्रवण होता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ही इस अमाशय के अंदर क्या होती है, यहां पर प्यारे विद्यार्थी कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ऐसे करके जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इनका काम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इनका काम क्या होता है, जैसे हम अपनी कहीं पे बैठे हैं एक जगह और हमको भूख लग रही है ज्यादा, ठीक है, और उस कंडीशन में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने से भोजन की प्लेट लेके गुजरे, क्या भोजन की प्लेट लेके ऐसे गुजरे, तो क्या होगा, हमारे मुंह में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, क्योंकि हमको भूख लगी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब देखिए यहां पर भोजन के कण आ गए हैं, ठीक है, भोजन के कण आ गए हैं, तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स के कारण इस अमाशय की जठर ग्रंथियों से एक रस का श्रवण होता है। उसका रस क्या होता है, जठर रस उसको बोलते हैं, जठर रस, ठीक है, जठर रस का श्रवण होता है। और इस जठर रस में तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तीन, एक क्या होता है HCl, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन, ठीक है। ये तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं इस जठर रस में। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था में जब भी जठर रस में क्या होता है, ये पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं भाई, ये इनएक्टिव होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, लेकिन HCl के प्रभाव में आने के बाद भाई क्या होता है, ये रेनिन और पेप्सिन क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रेनिन की, इसी बात करते हैं, हम रेनिन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए भाई ये जो रेनिन हमारा क्या है, एंजाइम है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, छोटे बच्चे में ये ज्यादा बनता है, लेकिन बड़े जब वयस्क हो जाते हैं तो ये बनना कम हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा क्या करता है, दूध पीता है,
क्या पीता है, दूध पीता है। और जब वो क्या करता है, थोड़ा बाहर निकालता है, तो क्या करता है वो, आपको दूध कुछ फटा हुआ दिखाई देता है। क्या होता है वो, फटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। क्यों, कि उन्होंने क्या काम करता है ये रेनिन, क्या करता है दूध को फाड़ देता है, दूध से कैसीन प्रोटीन को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। और ये जो हमारा पेप्सिन है, ये उस प्रोटीन को पेप्टाइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है भाई, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम जाने कि भी अमाशय के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, अमाशय के कार्य क्या होंगे, एक तो जो होता है हमारे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, क्योंकि ये जो HCl होता है ये क्या होता है भाई, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। तो अमाशय क्या काम करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, और पाचन तंत्र में क्या करता है, हेल्प करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन्स का भी ये क्या करता है, श्रवण करता है, जिसके प्रभाव से जठर ग्रंथियों से ये जठर रस निकलता है, और इस जठर रस में ही HCl, पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए, अब भोजन हमारा यहां पे आ गया है अमाशय के अंदर, ठीक है। एक बात और, अमाशय में जो सना जो भोजन है, यानी कि अमाशय के अंदर जो भोजन जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम काइम कहते हैं। और अमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे भोजन कहां रहता है, हमारे अमाशय के अंदर रहता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि किस प्रकार भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन के कणों को किस प्रकार तोड़ा जाता है, और मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे दांत हैं, 4 प्रकार के दांत, ठीक है, उनका काम क्या होता है, ठीक है। एक बात और, ठीक है, एक बार और बताना चाहूंगा आपको प्यारे विद्यार्थियों, दांत के बारे में, कि भाई अगर हम बारेंगे कि दांत, ठीक, देखिए मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के दांत क्या है, पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के मुख के अंदर, लेकिन ये दांत जिस गुहा में प्रेजेंट होते हैं, जिस गुहा में दांत प्रेजेंट होते हैं, इसी कंडीशन के कारण क्या होते हैं, थीकोडोंट भी इनको कहते हैं भाई, थीकोडोंट, जिस गुहा में प्रेजेंट होते हैं उस गुहा को क्या बोलते हैं भाई, थीकोडोंट। और मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डाइफायोडोंट भी है, मनुष्य क्या है, डाइफायोडोंट भी है, ठीक है। एक बात और दांत के मामले में, कि 20 वर्ष तक, या ये भी कह सकते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होते हैं भाई, 20 वर्ष तक क्या होते हैं, इनमें दांतों की संख्या लगभग 20 पाई जाती है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो इन दांतों की संख्या क्या हो जाती है भाई, लगभग 28 हो जाती है, 28 हो जाती है, और धीरे धीरे ये बढ़कर कितनी हो जाती है भाई, 32 हो जाती है। अगर हम बात करें कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो दंत सूत्र क्या होता है हमारा, 21-23 होता है, क्या होता है, 21-23, ठीक है, 21-23 देखते हैं भाई फॉर्मूला क्या होता है, दंत सूत्र 21-23 बटे 21-23, ठीक है, 2, 4, 6 कितना हो गया हमारे पास, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 16, यानी कि 16/22 होगा इक्वल टू 32, ठीक है। क्योंकि ये 2 किस लिए लगाया है, क्योंकि 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, सेम जैसे ऊपर होंगे ऐसे ही नीचे होंगे। देखिए अभी हमें क्या बताया, मुखगुहा, बक्कल कैविटी, ग्रसिका, ग्रसिका के बाद भोजन क्या आता है हमारे अमाशय के अंदर, अमाशय में क्या क्रियाएं होती है, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद का जो हम डिस्कशन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो नित्यम क्लास के साथ आप जुड़े रहिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।